हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम खसखस का हलवा बनाएंगे। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और साथ ही साथ ये आपको सर्दियों में एनर्जी भी भरपूर देगा। और ये देखिए, इतना टेस्टी हलवा देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तो जैसे मैं आप बताऊंगी वैसे ही आप उस रेसिपी को ट्राई घर में करें और ज़रूर बनाकर देखें। हलवा बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम खसखस ली है। प्लेट में निकाल कर आप इसे एक बार चेक कर लें। और ये देखिए, खसखस के जो छोटे छोटे से मोतियों जैसे दाने हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन भरा हुआ है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले खसखस को आप एक बार बारीक वाली छन्नी जो होती है उससे छान लें और उसी में मसल कर धो लें और 4-5 घंटे के लिए इसे भिगो दें। मैंने इसे ओवरनाइट भिगो कर रखा था और फिर इसे बारीक वाली छन्नी से छान लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी है, जब हम इसे मिक्सी में बारीक पीसेंगे तो इतना पानी सफिशियंट है। आप चाहें तो इस पानी की जगह आप 2 चम्मच दूध भी यूज़ कर सकते हैं और 2 चम्मच दूध से हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो अब मैं इस खसखस को मिक्सी के ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर रही हूँ और मिक्सी को पहले हम पल्स पर चलाएंगे और फिर से बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा पानी या दूध डालकर आप इसे ना पीसें, अदरवाइज ये बहुत पतला हो जाएगा और रोस्टिंग में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हलवे के लिए मैं 80 ग्राम चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर खांड, बूरा या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम से हाई पर रखते हुए एक नॉनस्टिक पैन में हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी का लिया है और इसके थोड़ा सा मेल्ट हो जाने पर अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी और उसे हम रोस्ट कर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें। मैं यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश यूज़ कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने अब लो से मीडियम पर कर दिया है क्योंकि काजू और किशमिश बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। रोस्टिंग करने से ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हलवे को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं। तो इनको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो अब इसकी रोस्टिंग के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से मखाने ले रही हूँ। सेम पैन में हम मखानों को भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे और इन्हें हम इतना रोस्ट करेंगे कि जब इसको हम दबाएं तो ये बहुत आसानी से टूट जाए और इनमें क्रंच आ जाए। और ये लीजिए, मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे। हलवा देसी घी में बना हुआ हो और उसमें अगर ड्राई फ्रूट डले हुए हों तो हलवे का मज़ा दुगुना चौगुना हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेम पैन में मैं थोड़ा सा घी और ले रही हूँ। अब हम इसमें पिसा हुआ खसखस डाल देंगे और ये देखिए, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी वाला खसखस मैं इसमें डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो से मीडियम पर रखते हुए इस खसखस को हम अच्छे से भून लेंगे और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसे ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे। खसखस को भूनने में आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पर नहीं करें और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। तो लो फ्लेम पर ही आप इसको रोस्ट करते रहें और धीरे धीरे अपना कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसने देसी घी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है और अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। खसखस में कैल्शियम, जिंक और कॉपर मिलता है। ये हमारी हड्डियों को तो मजबूत बनाता ही है, इससे हमारी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें मिलने वाला जिंक और आयरन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और डाइट्री फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और ये लीजिए, बहुत गुणों से भरा हुआ खसखस हमारा भुन चुका है। उसमें मैं चीनी भी डाल रही हूँ। 2 हरी इलायचियों के बीज निकालकर मैंने चीनी में ही मिक्स कर दिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था उसको मैंने हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है और वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर आप चाहें तो गार्निश के लिए रख सकते हैं। इन सब के अलावा मैं यहाँ पर 2 चुटकी जितना ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। ये हमारे हलवे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जितना हमने खसखस लिया था उसकी आधी क्वांटिटी में हम दूध लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 कप दूध ले रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने अब हाई पर कर दिया है। दूध को हम मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए, एक प्रॉपर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इस हलवे में चीनी की जगह गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कई बार मसाले या केमिकल वाले गुड़ को यूज़ करने की वजह से, क्योंकि हम इसमें दूध डालेंगे तो दूध फट भी सकता है। और ये लीजिए, हलवे में बहुत प्रॉपर बॉयल आ चुका है, लेकिन गैस की फ्लेम को अब हम हाई पर ही रखेंगे और हाई पर ही रखते हुए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा थिक होनी स्टार्ट हो गई है। हलवा अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, लेकिन मेरी किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर्दियों में हम गाजर का हलवा तो बनाते ही हैं। इस बार आप खसखस का हलवा बनाकर देखें, आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसे आप बनाकर कुछ दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और जब चाहें तब आप इसे चाय या दूध के साथ ले सकते हैं। हलवे की कंसिस्टेंसी इस टाइम काफ़ी थिक हो चुकी है। बीच में आप चाहें तो गैस की फ्लेम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत जल्दी हमारा खसखस का हलवा बनकर रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो वो आपकी मिस ना हो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।